इसके बाद एक चीज समझिएगा, एक क्वेश्चन यहां पे भी। अब इसमें चार एक स्पीसीज है, कभी कभी सीएसआईआर या कभी कभी प्रॉब्लम्स में ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। एक प्रॉब्लम अप्रोच के तौर पे अगर हम रिप्रेजेंट करें आपको, तो कभी कभी जो है डी में 0 0 0 दिया है, सी में दिया है और डी में दिया है और ए में दिया है, जहां पे अब इसमें सिमिलैरिटीज और म्यूटेशंस कैसे पता चलेंगे, ठीक है ना। तो सिमिलैरिटीज के ऊपर जब हम बात करते हैं, सिमिलैरिटीज के ऊपर जब बात होती है, तो वहां पे या तो जीरो और जीरो होगा। वैसे जीरो जीरो को हम कंसिडरेशन में सिमिलैरिटीज में नहीं लेते, वहां ये हो जाता है कि दोनों ही कैरेक्टर या जिस कैरेक्टर की बात करें वो दोनों में एबसेंट है। सिमिलैरिटीज वन वन होगी, और डिसिमिलैरिटीज जहां पे 1 0, या डिसिमिलैरिटीज का मतलब क्या है, म्यूटेशंस चेंजेस, हम उनको चेंजेस कंसिडरेशन में करेंगे जहां पे 1 और 0 हो, मैच हो रहा हो, या 0 और 1 हो। जैसे तौर पे देखिए कि बी और ए में यहां पे ये वाला जो कंडीशन है वो डिसिमिलरिटीज की तरह रिप्रेजेंट होगा या चेंजेस की तरह रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। चलिए तो जरा देखिए, मैं ये भी तो बोल सकता हूं सी और डी में सबसे ज्यादा चेंजेस है। देखिए सी और डी में सबसे ज्यादा चेंजेस, अगर 0 0 को एलिमिनेट किया जाए तो सबसे ज्यादा चेंजेस है, बहुत ज्यादा गैप्स। एक में सारे 0 है, एक में लगभग सारे 1 है, एक 0 0 को छोड़ के। तो ये चीज एक ग्राफ आ गया, ठीक है। अब इस कंडीशन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट किए गए, ए कैरेक्टर, बी कैरेक्टर, सी डी ई एफ जी, ठीक है। इस कंडीशन पे एक और हो सकते हैं, एक और हो सकते हैं, बेसिक तौर पे अब जरा रिप्रेजेंट करता हूं मैं। अगर यहां पे बोलूं तो 0 कैरेक्टर एक ऐसा कैरेक्टर है जो सी बी ए में है, बहुत शांति से समझिएगा, वो है ए। ए जो है सी वाले स्पीसीज में भी है, बी में भी है और ए में भी है, तो कहीं ना कहीं मैं इसको यहां पे रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि ये जो है ए होगा कैरेक्टर, क्योंकि ये कैरेक्टर अब यहां से जब जब रिप्रेजेंट किया जाएगा तो ये आपको इसके आगे सारे में मिल सकता है, यहां भी मिलेगा, इसमें भी मिलेगा और इसमें भी मिलेगा, दैट इज ए। सिमिलर तौर पे जो है आपके पास एक ऐसा कैरेक्टर है बी, जो सिर्फ और सिर्फ किसमें मिल रहा है, सी और बी में, मतलब यहां पे हो जाएगा बी, ठीक है। इस तरीके से आगे रिप्रेजेंट करें तो जो सी है वो किसमें किसमें मिल रहा है, सी और बी में भी मिल रहा है, यानी कि सी भी वहीं पे होगा, लाइक दिस वन। फिर उसके बाद जो है डी की बात करें, तो डी जो है वो सी में मिल रहा है और ए में मिल रहा है, मतलब डी जो है वो सी में मिल रहा है, कहीं ना कहीं डी यहां पे होगा और यहां पे होगा, अलग अलग ये होंगे डी इस तरीके से। और फिर जो है आपका ई जो है वो बी और सी में मिल रहा है, देखिए तो कहीं ना कहीं ई भी यहीं पे होगा। और फिर जो है एफ, एफ सिर्फ ए में है तो यहां पे हो जाएगा, सिर्फ एफ ए वाले ब्रांचेस में, और जो जी है वो सी और ए में है, तो मतलब सी का मतलब सी यहां पे और ए, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ चेंजेस जरा काउंट करके बताइए कितने हैं। काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 चेंजेस है, इस तरीके के ट्री कंस्ट्रक्ट होंगे, ठीक है। जरा सा दूसरा कंडीशन देखिए, मैं इसमें रिप्रेजेंट कर रहा हूं, हो सकता है कि इसमें जो है क्या हो सकता है कि अब एबीसी का लोकेशन थोड़ा सा चेंज किया, तो इस किस तरीके से ये ड्रॉ होगा। अब जो तीनों में पाए जा रहे थे वो ए अभी भी यहीं पे रहेगा, क्योंकि ए बी सी तीनों में था। अब जो ऐसा कैरेक्टर है जिसको हम बोल रहे हैं कि बी सी में, वो जो आपका सी है, ठीक है ना, देख पा रहे, समझ में आ रहा है सभी को, ठीक है। तो ये देखिए सी है, उसके बाद बी है, उसके बाद ई है, तो मतलब सी यहां पे होगा, बी यहां पे होगा और ई यहां पे होगा, इसी तरीके से सी बी और ई यहां पे होंगे। अब दोनों के लिए अलग अलग हो जाएंगे क्योंकि कॉमन नहीं है, बीच में ए आ जा रहा है, इसलिए हमने दोनों को अलग अलग उनके ब्रांचेस पे इंडिविजुअली रख दिया। अब जो देखा जाए तो एक है आपका डी, डी सी और ए पे था, मतलब यहां पे आ जाएगा डी सी और ए पे, इसके बाद है आपका दैट इज जी, जी भी यहां पे आ जाएगा, और एक है एफ जो सिर्फ ए में है, तो एफ यहां पे आ जाएगा। अब इसमें टोटल चेंजेस देखोगे तो 3 4 2 6 3 9 1 10, 10 चेंजेस है टोटल, काउंट करके देखो, देर शुड बी द 10 चेंजेस। एंड द नेक्स्ट वन, अगर हम एक और ट्री में जहां पे सी को इधर रखा है, बी को बीच में रखा हुआ है, ए को राइट साइड में रखा है, और उस हिसाब से चेंजेस एक बार फिर से ड्रॉ करते हैं, तो जो ए वाला चेंज था वो सी बी ए में दोनों में था। उसके बाद इस कंडीशन के तौर पे रिप्रेजेंट किया जाए तो कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं यहाँ पे जो सी में है, कौन कौन से कैरेक्टर्स सी और बी दोनों में है, यस एक देखा जाए तो आपके पास सी बी और ई, ये दोनों में आ जाएगा अलग अलग ब्रांचेस में, क्योंकि आगे ए है तो हम इसमें यहां पे नहीं रख सकते सी बी, नहीं तो ए में भी चला जाएगा, इसलिए हमने इंडिविजुअली रख दिया है क्योंकि वो ए में नहीं है। ए और सी में जो अवेलेबल था वो कौन सा था, वो ए में और सी में, वो है आपका डी, डी यहां पे आ जाएगा और ए में यहां पे आ जाएगा, क्योंकि बी बीच में आ जा रहा है, और जी भी वैसे ही हो जाएगा, जी यहां पे हो जाएगा और यहां पे हो जाएगा,
और एफ जो है वो ए में था। तो इसमें चेंजेस काउंट करेंगे तो 5, 3, 8, 3, 11, 12, टोटल 12 चेंजेस है। तो कहीं ना कहीं इसमें तीन तरीके के ट्री हमने कंस्ट्रक्ट किए, जिसमें जो हमारा प्रिफरेबल ट्री होगा वो कौन सा होगा आपके सामने जवाब है, द मिनिमम चेंजेस प्रिफरेबल वन। मिनिमम चेंजेस प्रेफरेबल वन, दिस इज हाउ यू कैन ड्रॉ द ट्री एंड यू कैन सॉल्व द पार्सिमोनी मेथड्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ग्रेट। नाउ इस चीज को भी देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, जो है अगर आपके पास स्पीसीज 1, 2, 3 है, उनके बीच में फाइलोजेनेटिक ट्री कंस्ट्रक्ट करेंगे, इनमें कुछ सिक्वेंसेस दिए गए हैं कहां कहां पे कौन कौन से स्पीसीज में किस तरीके से चेंजेस हैं, और इस तरीके से जो है कंस्ट्रक्ट किया गया एक ट्री 1C को यहां पे मान के, फिर 2 को मान के, डिफरेंट डिफरेंट जो है चेंजेस को कंस्ट्रक्ट करके आपको इस तरीके से तीन बेटर रिजल्ट्स के तौर पे समझा गया। अब इस तीन बेटर रिजल्ट्स में जो है एक ट्री में 6 चेंजेस हैं और बाकी के दोनों में 7 चेंजेस हैं, मतलब मेरे पीछे ट्री छुप रहा है उसमें भी 7 ही है। तो अगर कौन सा प्रिफर किया जाएगा, दिस ट्री शुड बी द बेस्ट ट्री बिकॉज हैविंग द मिनिमम चेंजेस। कैसे चेंजेस को ड्रॉ करना है मैंने अभी आपको बताया पिछले वाले एग्जांपल में कि हाउ यू कैन ड्रॉ द चेंजेस। सो इसमें मैं ड्रॉ नहीं करके दिखा रहा हूं, बस उसी तरीके से आपको चेंजेस को मैप करना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, जैसे यहां पे भी वही चेंजेस के तौर पे है, इनमें भी आप ड्रॉ कर सकते हैं और चेंजेस काउंट कर सकते हैं अलग अलग चेंजेस को। अगर इसको एज अ होमवर्क लीजिएगा, 4 तरीके के ट्री है, विच ट्री इज द बेस्ट फॉर दिस वन, इसको पता करने के लिए जो है आपको यहां से चेंजेस ड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि आप इनमें से कंपेयर कर लें, ए के बीच में चेंजेस देखें, बी का ए के सी के साथ और ए का डी के साथ। आप ये तरीका करिए कि ए का बी के साथ निकालिए, ए का सी के साथ निकालिए और ए का डी के साथ। आप इतना ट्री कंस्ट्रक्ट करने की वजह, चाहे इसमें भी आप अगर देखते हैं आपके पास जो तीन स्पीसीज थे उन तीन स्पीसीज में से चेंजेस आप देखते, तो इस पर्टिकुलरली केस में अगर हम इसी पर्टिकुलर केस में देखें तो कहीं ना कहीं जो इवेंट्स एंसेस्ट्रल स्पीसीज जो सबसे ज्यादा क्लोजर है वो थर्ड के साथ है। देखिए ए और जी मैच कर रहा है, यहां पे टी चेंज हुआ है और 2 चेंजेस है एंसेस्ट्रल से। एंसेस्ट्रल से अगर आप देखा जाए तो जो स्पीसीज 2 है उस पर्टिकुलर केसेस में क्या है कि आपके पास टी मैच कर रहा है, बाकी 3 चेंजेस हैं, और जो स्पीसीज 1 है उसमें देखेंगे तो लगभग 3 चेंजेस यहां पे भी है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से जो है आप स्पीसीज 1 और इन कंडीशंस को देख सकते हैं, तो उसमें आपको खुद ही पता चल जाएगा कि जो एंसेस्टर है वो सबसे ज्यादा क्लोजर 3 के साथ है, क्योंकि उसमें जो है 2 ही चेंजेस है और 2 चेंजेस का मतलब देखो 1, 2, ठीक है। इन द केस ऑफ स्पीसीज सेकंड देखिए 1, 2, 3 तीन चेंजेस 1 के साथ, 1, 2, 3 मैच यहां पे मैच करते, तो स्पीसीज 3 के साथ कितने चेंज है 1, 2, 3। ये जो है इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर लेते, पूरा ट्री बनाने की जरूरत नहीं है, लिख के जोड़ करके उसके लिए भी जाने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ यहां से चेंजेस आइडेंटिफाई करके वहां ढूंढ सकते थे ट्री में। वही चीज यहाँ पे भी करनी थी, इसमें भी आप उसी तरीके से कर सकते हैं। आपके पास जो टैक्सॉन्स है उनमें किस में किस कितनी सिमिलरिटीज है वो अपने आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है, और उसके बेसिस पे चेक कर सकते हैं। तो ये आपके लिए होमवर्क है, बैठ के सॉल्व करिएगा और देखिएगा कि क्या आपसे बन पाता है कि नहीं बन पाता। अगर आपसे बन पाएगा तो दैट्स वेल एंड गुड, और नहीं बन पाता है तो आप उससे जरूर पूछिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि मैक्सिमम पार्सिमोनी का जो ये लेक्चर था, इसमें 1-2 क्वेश्चंस और कराने थे लेकिन ड्यू टू द टाइम लिमिटेशंस हम यहीं तक करेंगे, लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूं कि जहां तक हमने सीखा उसमें आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा और आपने पार्सिमोनी को समझा होगा और सीखा होगा और इसके क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है।